अच्छा अच्छा के छात्र छात्राएं ध्यान दें। पहला पाठ हम आपको पढ़ा चुके हैं और दूसरा पाठ शुरू करना है। पाठ का नाम है करकटह बकाश। करकटह माने केकड़ा, बकाह धनच और बगुले। पहले पैराग्राफ का उच्चारण एक बार करवाएंगे। एकस्मिन् वने एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। तस्य वृक्षस्य उपरि बहतः, गलत है, बहवः बकाः वसन्ति यस्म। तत्रैव वृक्षस्य कोटरे कृष्णसर्पः यूयम् अपि वसति यस्म। एकदा सर्पः बकशावकान् भक्षितवान्। शिशु वैराग्यात् बकाः रोदनं कुर्वन्ति यस्म। एतेषां रोदनं श्रुतवान् उक्तवान् च मित्राणि किमर्थ रोदनं कुरुथ। बकाः उक्तवन्तः कोटर निवासी सर्पः अस्माकं शावकान् भक्षितवान्। कथयतु तस्य सर्पस्य नाशस्य कः उपायः। अर्थ समझिए। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः विशालः वटवृक्षः आसीत्। एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। एक वन में एक बड़ा वटवृक्षः बरगद का वृक्ष आसीत् माने था। तस्य वृक्षस्य उपरि, उस वृक्ष के ऊपर, बहवः बकाः वसन्त्यस्म, बहुत बकाः बगुले वसन्त्यस्म रहते थे। तत्रैव वहीं ही वृक्षस्य कोटरे वृक्ष के खोखले में कृष्णसर्पः काला सर्प यूरम अभी तुम सब भी वसतियस्म रहते थे। एकदा एक बार सर्पः सांप बकशावकान् बकुले के बच्चों को भक्षितवान् खा लिया। शिशु वैराग्यात् बच्चों के विरह से बकाः बकुले रोदनम कुर्वन्त्यस्म रोने लगे या रो रहे थे। एतेषां रोदनम श्रुतवान् इनके रोने को सुनकर उक्तवान् च और कहने लगे मित्राणि हे मित्र किमर्थम रोदनम कुरुत क्यों रो रहे हो। बकाः उक्तवन्तः बगुलों ने कहा कोटर निवासी सर्पः खोखले में रहने वाला सर्प अस्माकं शावकान् भक्षितवान् हमारे बच्चों को खा लिया। कथयतु कहो या बताओ तस्य सर्पस्य नाशस्य कः उपायः उस सांप के नाश का क्या उपाय है या उस सर्प को नष्ट करने का उपाय बताओ। फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ। एकस्मिन् वने एक वन में एकः विशालः वटवृक्षः आसीत् एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। तस्य वृक्षस्य उपरि उस वृक्ष के ऊपर बहवः बकाः वसन्ति यस्म बहुत बकाः बगुले वसन्ति यस्म रहते थे। तत्रैव वहीं ही वृक्षस्य कोटरे वृक्ष के कोटरे खोखले में कृष्णसर्पः काला सर्प यूरमपि तुम सब भी वसति यस्म रहते थे। एकदा एक बार सर्पः सर्प बकशावकान् भक्षितवान् बगुले के बच्चों को खा लिया। शिशु वैराग्यात् बच्चों के विरह से बकाः बगुले रोदनं कुर्वन्ति यस्म रो रहे थे। एतेषां रोदनं श्रुतवान् इनके रोने को सुनकर उक्तवान् च और कहने लगे मित्राणि हे मित्रो किमर्थं रोदनं कुरुथ क्यों रो रहे हो। बकाः उक्तवन्तः बगुले कहने लगे कोटर निवासी सर्पः खोखले में रहने वाला सर्प अस्माकं शावकान् भक्षितवान् हमारे बच्चों को खा लिया। कथयतु तस्य सर्पस्य नाशस्य कः उपायः उस सर्प के नाश का क्या उपाय है। कथयतु माने कहो या मुझे बताओ। आगे हम अर्थ नहीं बताएंगे। आगे जो दो पैराग्राफ और है उसका केवल उच्चारण करा दे रहा हूँ। अगले टर्न पर उसका अर्थ बताएंगे। करकटः चिंतितवान् अयम् बकः अपि सहज शत्रुः अस्ति
अतः तादृशम् उपायं वदामि येन बकाः अपि मृताः भवेयुः। एवं सा उपायं उक्तवान्। मत्स्यानां मांसखण्डानि नकुलस्य बिलद्वारात् सर्पकोटरं यावत् स्थापयन्तु, येन नकुलः तेन मार्गेण गत्वा तं दुष्टसर्पं विनाशयिष्यति। बकाः तदनुसारमेव कार्यं कृतवन्तः। परिणामतः नकुलः तेन मार्गेण गत्वा कृष्णसर्पं मारितवान्। अन्यञ्च वृक्षाश्रितान् सर्वान् बकान् च भक्षितवान्। अतः सत्यम् उक्तम्, उपायं चिन्तरेत् प्राज्ञस्तथा पायं च चिन्तरेत्। पश्यतो बकमूर्खस्य नकुले नो हता बकाः। उपायं चिन्तरेत् प्राज्ञस्तथा पायं च चिन्तरेत्। पश्यतो बकमूर्खस्य नकुले नो हता बकाः। बस आज यहीं तक। शेष फिर अगले टर्न पर ये जो पैराग्राफ का उच्चारण हम अभी करवाए उसका अर्थ हम अगले टर्न पर बताएंगे। बस।